तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर कार। कार हम देख रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, Z2 वेरिएंट है ये, बेस वेरिएंट है स्कॉर्पियो एन का। और फीचर देख रहे हैं इसके कितने अच्छे अच्छे मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में। बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो शेयर भी कर सकते हो। आप चैनल से सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो देख जाते हो पूरी, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मोनोटोन देख रहे हो आप व्हाइट कलर में, इसमें डुअल टोन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं हमें। Z2 बेस वेरिएंट है, 13,26,400 एक्सशोरूम प्राइस आते हैं इसके हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। बहुत प्यारी गाड़ी है, इस सेगमेंट पे आपको ब्रेजा जैसी गाड़ियां मिलती हैं, ब्रेजा सेल्टोस जैसी, और यहाँ प्रॉपर एसयूवी मिल रही है एक 5-स्टार बिल्ड क्वालिटी के साथ। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 मिल क्या क्या जाता है स्कॉर्पियो एन Z2 बेस वेरियंट के अंदर। हमें फीचर्स की बात करूँ, फीचर देख के आप हैरान हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। इसमें मैनुअल वाइपर्स मिलते हैं हमें विद 2 वॉशर, रूफ रेल्स ये एसेसरीज का पार्ट लगाए गए हैं इस पे। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है, ग्रिल जो हम डार्क क्रोम बाहर से कराते हैं वो यही मिल जाता है आपको, डार्क क्रोम महिंद्रा का लोगो अंदर मैट, और बाहर आपको डार्क ब्लैक देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल मतलब ये लगा लो आफ्टर मार्केट की जाने की जरूरत ही नहीं, इतना प्यारा काम हमें इसमें मिल जाता है। हाइलोजन बेस डुअल बैरल हेडलैम्प सेटअप मिल जाते हैं, फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं मिलते, लोअर ग्रिल ब्लैक देखने के लिए मिलेगी। रेडिएटर ग्रिल आप देख सकते हो कितना प्यारी लग रही है ये ब्लैक में। वहीं आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो कुछ इस तरह के स्टील रिम्स मिलते हैं, फ्रंट डिस्क ब्रेक है, और वहीं रियर की बात करें तो रियर भी हमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक मिलेंगे। यहाँ कोई लाइटिंग वगैरह नहीं मिलती क्योंकि इंडिकेटर आपको फेंडर पे से हटके ORVM पे मिलेगा बेस वेरिएंट के अंदर भी। बाकी क्लैडिंग सराउंडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ टायर साइज की बात करें तो 245/65/17 का टायर साइज मिल जाता, स्टील रिम्स है सिल्वर कलर के, फुट रेस्ट मिल जाते हैं, ये एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये शोरूम की तरफ से मिलेंगे आपको, कंपनी देती है। क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा लोअर डोर्स पे भी देखने के लिए। ORVM मैट ब्लैक में दिए हुए हैं, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट इनकी आप किसी तरह की एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ये आपको मैनुअली एडजस्ट करने होंगे और फोल्ड अनफोल्ड भी मैनुअली होंगे। ए पिलर बॉडी कलर है BRC ब्लैक मिलेंगे, डोर वॉइजर्स ये एसेसरीज का पार्ट है, रूफ रेल्स भी एसेसरीज का पार्ट है, डोर हैंडल्स ब्लैक है, चाबी की जगह मिलेगी, चारों डोर हैंडल्स ब्लैक है, नीचे भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। रूफ रेल्स देख सकते हो आप, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है इसमें हमें क्योंकि 8 इंच की डिस्प्ले के साथ 4 स्पीकर्स मिलते हैं, आगे दिखाऊंगा आपको। क्वार्टर पैनल पे ग्लास मिल जाता है एक थर्ड रो के लिए क्योंकि 7-सीटर वेरिएंट आप देख रहे हो। यहाँ पे टेल लैंप्स मिल जाते हैं, LED बेस्ड टेल लैंप्स, इंडिकेटर यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लैंप, रिवर्स लाइट नीचे मिलेगी, और ये भी डार्क क्रोम देखने के लिए मिलेगा। बीडिंग भी प्यारी, काफी प्यारी लगती है, और ये फॉग लैंप्स है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ मिलेगा, ये आपका एग्जॉस्ट पाइप, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ महिंद्रा का लोगो, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स नहीं है इसमें, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट के हुए, बाकी रिवर्स लाइट 2 मिल जाएंगी, एक यहाँ एक वहाँ। ये आपका जो बूट गेट का हैंडल, यहाँ से आप रियर लुक देख सकते हैं, पहचान नहीं सकते गाड़ी को फ्रंट से ना कि बेस वेरिएंट है, ना रियर से ना फ्रंट से कि बेस वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, बस थोड़ा यही डोर हैंडल्स वगैरह देख के पता लग जाता है। विंडशील्ड प्लेन है, इससे थोड़ा आपको महसूस हो सकता है। डीजल वेरियंट है तो यहाँ गाड़ी अनलॉक है तो ये खुल जाएगा, ये डीजल के लिए और ये आपका ब्लू लिंक के लिए। यहाँ से आप को ड्राइवर साइड भी देख सकते हैं। ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। उससे पहले की दिखा दो, कुछ इस तरह की फ्लिप की मिल जाती है हमें, दोनों कीज में आपको डमी कीज टाइप ही मिलेगी, सेंटर लॉकिंग के बटन्स नहीं है। और यहाँ आ जाते हैं, डोर हैंडल्स मैंने बताए थे ब्लैक मिलते हैं, ये देख लेते हैं कि लॉक होती है नहीं होती, ये तो लॉक हो गई, और ओपन करेंगे बट मैनुअल सेंटर लॉकिंग है कि एक डोर से ही एक की से आपकी चारों डोर लॉक अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ अंदर आ चुके हैं इंटीरियर में, चारों पावर विंडो मिलेंगी, ये चाइल्ड लॉक के लिए, ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, डोर ओपनर लॉक अनलॉक का बटन, डोर एक्सेस हैंडल, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट, ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में मिलेगा, पैसेंजर बोल गया मैं, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें हमें, सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी ड्यूअल टोन में जो कि काफी अच्छी लग रही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ क्लच ब्रेक एक्सीलेटर मिल जाते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, एक आपको डेड पैंडल मिल जाएगा, ये बोनट खोलने के लिए, ये आइडल ऑन ऑफ के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग्स है यहाँ पे, ये आपका हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, ऊपर AC वेंट, यहाँ चाबी की जगह यहाँ लगा देते हैं, यहाँ भी आपको लाइट मिल जाती है चाबी की जगह पे भी।
तो इंटीरियर में स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग इसमें हमें विदाउट एनी रैप मिलता है, बट फ्लैट बॉटम मिल जाता है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है यहाँ पे। स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में, बेस में। तो जैसे स्टेयरिंग की बात हो रही थी, स्टेयरिंग पे हमें यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। थ्री स्पोक स्टेयरिंग मिलता है, रैप तो कोई नहीं है बट फ्लैट बॉटम है। और यहाँ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाती है, बीडिंग टाइप आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो। टोटल दो एयरबैग मिल जाते हैं, थोड़ी जीव लड़खड़ा गई थी उसके लिए सॉरी। थर्ड स्पोक ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, बाकी थोड़ा सा फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, रैप वगैरह स्टेयरिंग पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं आपको बेस वेरिएंट से देखने के लिए, क्योंकि इसमें हमें 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाती है एंड्रॉइड बेस, 4 स्पीकर के साथ देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स है, मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलते हैं आपको। यहाँ पे मैनुअल वाइपर कंट्रोल, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, चाबी निकाल ली मैंने तो ये बंद करना पड़ेगा। ये मैंने डोर कर दी बंद, बूट गेट खुला हुआ है तो उसकी नोटिफिकेशन आ रही है यहाँ पे। ये जैसे हम ऑन करेंगे तो इस तरह से आपका स्पीड मीटर और आरपीएम ऑन होंगे। ये इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे फ्यूल गेज, सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन आ रही है, ऊपर आपके हैंड ब्रेक्स और गेट खुलने के नोटिफिकेशन पॉपअप आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो 3 इंच की इसमें MID दी हुई है, 3.5 इंच की, इसमें टाइम मिल जाता है, डेट मिल जाती है ईयर के साथ, किलोमीटर्स या इंजन टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, यहाँ भी टाइम आ रहा है। और यहाँ आपके सेटिंग्स आप कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ऊपर वेदर टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है, काफी प्यारा बोनट व्यू आता है स्कॉर्पियो एन के अंदर। थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाता है, मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हैं आप। इसमें हमें 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉयड बेस डिस्प्ले है इसमें, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों चीज मिल जाएगी, बट वो आपका USB के थ्रू कनेक्ट होगा। दोनों तरफ AC वेंट, ये पूरा ट्रीटमेंट आपको टॉप से बेस तक ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, बेस से टॉप तक। बस ये है थोड़ा टॉप में यहाँ टच आ जाता है, ये हार्ड है, स्टीचेस आपको देख रहे हो बट ये हार्ड टच में है। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स, हजार लाइट, यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग के नोटिफिकेशन, ऑक्स, USB पोर्ट, गियर कंसोल में जगह मिल जाएगी, 6 गियर के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, 2 का होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिल जाएगा। यहाँ ग्लोब बॉक्स में भी आपको स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पूरा फ्रंट आप देख सकते हैं, ड्राइवर फ्रंट जो गाड़ी का है। स्टीयरिंग तो मैं दिखा चुका, टिल्ट है। ऊपर आएंगे, यहाँ मैनुअल डिमिंग IRBM से आपको लाइट वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पे लाइट मिलेगी व्हाइट, एक पीछे मिल जाएगी। यहाँ पे हार्ड टच मिलेगा, थोड़ा अच्छा हैवी दिया हुआ, मतलब हार्ड टच बोल रहा हूँ मैं, बट वेंटीमीटर वगैरह नहीं है सनवाइजर में। और इस साइड भी आपको कोई टिकट होल्डर, वेंटीमीटर वगैरह नहीं मिलेगा। ग्लोब बॉक्स कुछ इस तरह का मिलेगा, थोड़ी स्टोरेज मिल जाएगी, कूल्ड वगैरह लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये तो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट, अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे। एक बार ये मैं कर देता हूँ बंद और डोर कर लेते हैं हम ओपन। तो यहाँ जैसे ही हम पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन का ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, ब्राउन और ब्लैक डोर ओपनर लॉक अनलॉक का। पावर विंडो मिल जाती है जैसे मैंने बताया था, चारों आपको बेस वेरिएंट में। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, 4 स्पीकर्स मिलते हैं। यहाँ की 7 सीटर, तो सीट फोल्ड करी हुई है, सीट ऊपर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको AC वेंट और नीचे एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। सारी सीट्स फोल्ड करी हुई है इसकी, कुछ इसमें काम हो रहा वो नहीं है ये। बाकी 60-40 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है क्योंकि ये 7 सीटर वेरियंट है, इस वजह से। क्वार्टर पैनल पर ग्लास मिल जाता है। और यहाँ हम जैसे इसका थर्ड रो खोलेंगे तो यहाँ कर्व मिल जाता है हमें, यहाँ डोर ओपनर लॉक अनलॉक का। बूट स्पेस अगर आप सीट फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ भी जगह मिल जाती है, यहाँ पे आपकी लाइट, कुछ सामान भी कैरी कर सकते हैं आप। यहाँ टूल्स मिल जाते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाता है, यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा इन्फ्लेटर के लिए। तो अगर बूट्स, ये सीट अगर आप प्रॉपर फोल्ड कर दोगे तो 400+ लीटर का इसमें हमें बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील आपका यहाँ मिलता है नीचे। तो भाई ये थी महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ2 की, 13,26,400 प्राइस आ जाते हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं इसकी डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ। गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।